तो यूनिट में एक प्रकार की डबल सोल्जरिंग होगी, माने दो प्रकार के सैनिक होंगे। एक अधिकतम जो वर्तमान में जो अधिकतम संख्या में है जिनकी नौकरी फिक्स्ड है, जो तनख्वाह पुराने व्यवस्था में ले रहे हैं, और जिनकी आगे जो सुविधा है चाहे छुट्टी की हो, मेडिकल की हो, शिक्षा की हो, अपने परिवारों के लिए, वो सब सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। और जो नए जिनका नामकरण अग्निवीर के नाम से किया गया है उनके लिए ना तो वो तनख्वाह मिलेगी और ना ही वो छुट्टी मिलेगी और ना ही वो मेडिकल व्यवस्था, और एक्स सर्विसमैन स्टेटस तो है ही नहीं उसमें, और आगे उनके बालक उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। तो एक कॉम्बैट यूनिट में जो युद्ध के समय कोई इंटरनल सिक्योरिटी का हो या बॉर्डर पर हो, एक कॉम्बैट यूनिट में दो प्रकार के सैनिक कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में प्रशिक्षण में अंतर है और नौकरी की जो व्यवस्था है, जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अंतर है। ये एक आपस में कॉन्फिडेंस नहीं होने की एक बहुत बड़ा कारण होगा, और मुझे भय है कि जो यूनिट में जो यूनिट का जो हम एकता बताते हैं, कोहिजन बताते हैं, वो कोहिजन पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, और कॉम्बैट एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं उस पर एक बहुत ठोस लगेगा। आई थिंक द मेन डैमेज बीइंग डन besides the lack of opportunity for the youth that has been curtailed, the numbers have come down. There are more than a lakh vacancies right now in the army, but those are not going to be filled up. In fact, the 46,000 vacancies taken out will cover the three services, and the vacancies will not be covered up in the long run also. And besides, the duality of privileges functioning, prevailing in a unit is a surest antidote to a disaster, because in a combat situation, in any routine duties in the armed forces, when there is a discrepancy, when there's a difference of status, difference of pay, perks, allowances between two soldiers doing the same duties, it's a very dangerous situation and a short disaster. And the government has been pushing this so-called reform, when reform has to be transparent and not imposed surreptitiously and not at the cost of opportunities for the youth. दूसरा एक चिंता का विषय ये है कि लगभग 7 महीने हो गए हैं जनरल बिपिन रावत के दुर्घटना के, और अभी तक CDS का पद भरा नहीं गया है। 7 जून को सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने नए नियम की घोषणा करी थी, जिससे सिलेक्शन पूल जो पूर्व में जो भी 3 अध्यक्ष थे उनसे सिलेक्शन का होना था, अब लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और उनको भी लिया गया है जिनकी आयु 62 वर्ष से नीचे हो। अब पूल लगभग 200 से अधिक हो गया है, 15 दिन से अधिक बीत गए और अभी तक सरकार इस निर्णय नहीं ले पाई कि CDS अगले CDS कौन होंगे। ये तो स्पष्ट होता है कि पूल बड़ा करने से जो वर्तमान में 3 सेनाध्यक्ष हैं उन पर सरकार का विश्वास नहीं है, क्योंकि वो अगर विश्वास होता, इफ दे वर ऑफ द राइट कैलिबर, then the government would not have had to increase the pool of selection. The fact that the selection pool has had to be increased, it means there's a lack of confidence, or as the veterans keep remarking, that the government wants to play a deep selection role and find a suitable like-minded CDS. Either way, what jo bhi nirnay ho wo desh ke hit mein nahi hai, और वैसा विशेषकर सेनाओं के लिए हानिकारक है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो। जी,
देखिए वर्तमान में सेना में मैं समझता हूँ कंपनी कमांडर की आयु एवरेज कंपनी कमांडर की आयु 28 से 32 33 होगी, और सीआरपीएफ बीएसएफ में कंपनी कमांडर की आयु 50 से भी ऊपर हो सकती है। तो और सीआरपीएफ बीएसएफ की ड्यूटी भी आजकल आंतरिक सुरक्षा के कारण उनकी भी ड्यूटी भी सेना के जैसे हार्ड है, तो आयु की चिंता कहाँ होनी चाहिए। और अगर पैसा बचाना है संख्या कम करने से, संख्या जो भी संख्या है वर्दी में, संख्या इस हिसाब से कम नहीं किया जाती जब तक आपने अपना थ्रेट परसेप्शन का कैलकुलेशन नहीं किया है। थ्रेट परसेप्शन का मतलब वर्तमान में क्या खतरा है देश को, आने वाले 15-20 वर्ष में, 25 वर्ष में, 50 वर्ष में क्या क्या खतरे होने वाले हैं या नहीं होने वाले, उसके आधार पर आप सेना का ढांचा बनाते हैं। या परिवर्तन तो होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, ना कि ऐसे धोखे से। आपका बात बिल्कुल सही है। जब ये बेचारे, मुझे कहना पड़ेगा, जब ये बेचारे अग्निवीर जब अपने यूनिट में जाएंगे तो जिस कंपनी में जाएंगे वहाँ के जो कंपनी हवलदार मेजर हैं वो इनका तो इनको इतना रगड़ा देंगे, ट्रेन करने के लिए इतना रगड़ा देंगे, वो सोचेंगे कि आते भी नहीं, क्योंकि ये जैसे यूनिट में बोलेंगे तो ये तो अध पके सैनिक हैं, उनको पकाने के लिए बहुत समय लगेगा। और वैसे भी वर्तमान में कहते हैं कि 5 साल हो जाए सैनिक को ड्यूटी करते हुए, अनुभव होते हुए, फिर जाकर उसको कुछ माना जाता है, और इनको तो माना भी नहीं जाएगा ड्यूटी के लायक। चाहे क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी भले ही कर लें और बाकी सेंट्री ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन कॉम्बैट के हिसाब से इनको माने, इसको विश्वास भी नहीं होगा इन पर। मैं समझता हूँ कि ये जो निर्णय है ये राजनीतिक निर्णय है, ये किसी सैनिक ने ये योजना, ना तो सैनिक ने योजना बनाई है और ना सेना इस योजना के पक्ष में थी। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो परिवर्तन आया है उसकी अगर आपको उदाहरण दूं, तो अभी अक्टूबर में 60 साल हो जाएंगे 62 के युद्ध के, चीन भारत चीन के युद्ध में जब युद्ध चल रहा था, तब उस समय नेहरू जी ने पार्लियामेंट में डिबेट चालू करी थी युद्ध के ऊपर, अटल जी उसमें भाग ले रहे थे और उन्होंने, दोनों ने उसमें भाग लिया। और आज वर्तमान में जो चीन का खतरा है, वो खतरा तो है ही है, लेकिन पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए भी कोई समय नहीं है ना इच्छा है। तो पार्लियामेंट्री प्रक्रिया में तो मैं तो विश्वास करूंगा नहीं, क्योंकि वो उससे दूर रहते हैं और स्टैंडिंग कमेटी के ये उसमें आएगा भी नहीं, ये दायरे में आएगा भी नहीं। अब रास्ता आगे क्या है, या तो नोटिफिकेशन को लैप्स किया जाए, ये अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन कितने होते हैं, कमियाँ कितनी रहेगी, और या 4 साल के बाद सरकार इसको रद्द कर दे, और कोई तरीका नहीं है। ये सेना के लिए सफल हो ही नहीं सकती। देखिए अगर आप मैं तो ऑब्वियसली स्वाभाविक है मैं कहूँगा कि रोल बैक बेस्ट ऑप्शन है, और अगर सरकार अड़ गई जैसे कहे कि हम इसको रोल बैक नहीं करेंगे, फिर कुछ एजी ने या किसी सीनियर अधिकारी ने कहा कि ट्वीक हो सकता है, आगे जाकर देखेंगे। अब महीने भर बाद पता चलेगा कि इस योजना के आधार पर कितनी रजिस्ट्रेशन हुए हैं भर्ती के लिए, कि आज से चालू है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, महीने भर बाद देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन उसी आधार पर हुए या उसी संख्या में हुए या नहीं हुए।
फिर पता चल जाएगा कि देश में इसका क्या रिएक्शन है। एनीथिंग एल्स? आइडियली सॉल्यूशन तो रोल बैक का ही होगा। मैं तो पहले भी वही उत्तर दिया था मैंने कि रोल बैक हो तो बेस्ट है, क्योंकि ये सफल हो नहीं सकता जैसे मैंने पहले बताया। थैंक यू।